प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मीसा भारती के अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को आयकर विभाग ने समन भेजा है। मीसा और उनके पति शैलेश कुमार को जून के पहले हफ्ते में आयकर विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ये जो आज समन जारी हुआ, ये तो कार्रवाई की शुरुआत है। अब ये मामला बहुत आगे तक बढ़ेगा। किस प्रकार से फार्म हाउस की जमीन खरीदे, अपने कंपनी के शेयर्स को पहले महंगे दाम में बेचा, फिर सस्ते दाम में फिर अपने नाम से खरीद लिया, तो ये सारे मामले अब ईडी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हैं। 23 मई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती के अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 3 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कस्टडी में भेजा था। आरोप है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए करोड़ों की जमीन बहुत ही कम दाम में खरीदी गई है। इसी सिलसिले में आईटी विभाग ने मीसा और उनके पति को समन जारी कर पेश होने को कहा है। लेकिन हम लोगों को और जनता को इस बात का इंतजार है, जो आरजेडी ने सुशील कुमार मोदी जी के भाई के ऊपर आरोप लगाए, नैतिकता का दुहाई देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, इनके ऊपर कब नोटिस जारी होगा, इनके भाई पर सुशील कुमार मोदी जी के, इसका भी इंतजार है। तो जब राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई तो ये तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि अगला कदम यही होगा इनकम टैक्स का, कि मिशेल पैकर्स के जो मालिक हैं मीसा भारती और शैलेश कुमार को बुलाकर पूछा जाएगा। तो एक सामान्य प्रक्रिया बुलाकर पूछना, लेकिन ये तो चिलम पो मचाना शुरू कर दिया लोगों ने। खरीदारी के आरोपों के घेरे में लालू की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार हैं। इससे पहले ईडी ने दिल्ली के बड़े कारोबारी एसके जैन और वीके जैन को इसी मामले में गिरफ्तार किया था। जैन बंधुओं पर फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। पिछले हफ्ते उनके खिलाफ दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और कारोबारी किस किस नेता से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।